Hello ji, assalamu alaikum. Kuch dino pehle I got a phone call from a friend of my area who runs a campaign which is named Green Karachi. ये कोई न्यूली कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन अप्रोक्स दो साल से चल रही है और ये एक ग्रुप है, ये एक टीम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाकर प्लांटेशन करते हैं. सो बिकॉज पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कहा था कि ट्रीज के बारे में, ट्रीज से रिलेटेड कुछ बातें कही थी, सो ही इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन. सो इट्स माई प्लेजर टू ज्वाइन हिम और इनके साथ, इनको दिखा के कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब दिखा के मुझे खुशी हो गई. आइए. ये मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तुम पहले आ चुके हो ना? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास मकारी है और आज आपको बताऊंगा कि आज का हमारा व्लॉग है प्लांटेशन के ऊपर. जैसे कराची में प्लांटेशन की बहुत कमी है, हमारे साथ हमारे दोस्त है हमजा इस्माइल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग प्लांटेशन के ऊपर, तो हमारे साथ रहिए. जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज हम करने जा रहे हैं प्लांटेशन, हमारे साथ मौजूद है हारून, डॉक्टर मुजम्मिल और इंजीनियर सिकंदर. तो आज का हम पहला सवाल करेंगे डॉक्टर मुजम्मिल से. जी मुजम्मिल साहब, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, आपको क्या रिस्पांस मिला है और आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पिछले दो साल से मैं देख रहा था, हारून और इसकी टीम ये काम करती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको देखा तो मेरे अंदर भी इंस्पिरेशन पैदा हुई कि भाई मुझे भी इनको ज्वाइन करना चाहिए. जब मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है कि जब टीम से टीम मिलती है तो एक इसके अंदर बिल्डअप होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस तरीके से बिल्ड हुई और हमने पहले छोटे छोटे प्लांट लगाते थे जिसकी केयर बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती थी. अब हम बड़े प्लांट लगाते हैं जिसके हमें केयर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब हमें आम पब्लिक की सपोर्ट कर रही है और हम अपनी इतनी मदद आम आपके तहत ही ये सारा काम कर रहे हैं, जिसमें मुजम्मिल भाई का बहुत बड़ा हमारा रोल है. वो हमारा अपना क्लिनिक बंद करके और वो इस इनिशिएटिव के अंदर हमारा साथ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए आम पब्लिक में भी ये मैसेज जाए कि वो अपने घरों के बाहर कम अज़ कम एक बड़ा दरख्त ज़रूर लगाएँ या अपनी बिल्डिंग के आगे एक बड़ा दरख्त लगाएं, जिससे ये होगा कि आपका जो वो ग्रीनरी है ना वो बढ़ेगी. और अगर आप ऊपर गूगल मैप के ज़रिए अगर आप देखेंगे कराची को, तो कराची जो है ना एक सहरा लगता है, एक शहर नहीं लगता. तो मेरा एक मकसद है, मेरा एक इनिशिएटिव है कि मैं एटलीस्ट अपनी गली को तो मैं हरा भरा कर सकता हूँ. अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो कंपैरेटिवली अगर हम अपनी कंट्री को देखें और दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो ग्रीनरी को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे मुल्क में बहुत कम है. तो आप अगर फ्लाई करते हुए आते हैं किसी बाहर मुल्क से और जैसे ही आप पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में एंटर होते हैं तो आपको सिर्फ सहरा नज़र आता है, कोई ग्रीनरी आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी. एज़ कम्पेयर टू आप अदर कंट्रीज़ को देखें ना तो आपको कम्प्लीटली ग्रीन दिखेगा आपको टॉप से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचर के हवाले से कि ये चीज़ें, जैसे बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं तो अब इनमें भी एक इंस्पिरेशन होगी कि जैसे हम लोग दरख्त लगा रहे हैं तो कल को इनको इंस्पिरेशन होगी कि हम भी इस तरह दरख्त लगाएं. तो इसी तरह छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि ये फिर जो है हमारी कंट्री भी एक ग्रीन कंट्री कहलाई जा सके. थैंक यू. दोस्तों कहने वाले बहुत है, करने वाले बहुत कम हैं. जो कहते हैं उनकी वैल्यू नहीं है, जो काम करके दिखाते हैं वैल्यू उनकी है. तो देखिए आज हम करके दिखा रहे हैं और ये हमारी काविश थी कि हम ये करें और आज आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं.
मुहिम का आगाज हो चुका है, यहाँ हमारा पहला दरख आ चुका है, पहला दरख लगने की शायद शुरू है। सोच रहे होंगे ये एक दरख्त में इतनी फुटेज इतनी वीडियो बना रहे हैं, नहीं, एक दरख्त इन्होंने अभी लगाया है, लेकिन इनकी कारकर्दगी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें शुरुआत हमेशा एक से होती है और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। जिस तरह जीने के लिए सांस जरूरी है, उस तरह रहने के लिए दरख्त बहुत जरूरी। हम भी चाहते हैं कि हम अपने गली मोहल्ले से इसी तरह की शुरुआत करें, एक दरख्त लगाएं, अपनी गली में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, इस तरह हमारा शहर कीप सिटी क्लीन एंड ग्रीन हो जाए। लग रही है अभी वीआईपी भूख, और अभी खाने चलते हैं कहीं। कहाँ जाए वकास भाई? मेहमान बिरयानी खाना था।